बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। मौसम काफी खुशगवार है, आप भाइयों को बादलों का शोर भी इस वीडियो में सुनाई देता रहेगा, बादलों के गर्जने का देख लें जी, माशाल्लाह। बहरहाल बात कर लेते हैं जो पाकिस्तानियों को, तीन पाकिस्तानी है, सात पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी है, सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज गर्दिश कर रखी है, उनको सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं आप भाई उसका दो तीन बातें करूंगा, आपकी यकीनन समझ में भी आएंगी और कंफर्म बात है यही हुआ है। सबसे पहले कुछ बंदे बोल रहे हैं जी उनकी छुट्टी नहीं थी। भाई छुट्टी अगर आपकी ना हो, अभी से अपने जहन में ये बात बैठा लें, मेरे पुराने भाई जो सऊदी आते हैं जाते हैं उनको इसके मुतल्लक इल्म भी है, अगर आपकी छुट्टी ना बड़ी हो तो पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको वापस भेज दिया जाता है कि अपनी छुट्टी एक्सटेंड करें, दोबारा से वो बंदा कंपनी वगैरह से कफील से रब्ता करके अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा कर दोबारा आ जाता है, ये कन्फर्म है, लेकिन उसे पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर रोक दिया जाता ना कि सऊदी अरेबिया में। दूसरे नंबर पर आप, इन बंदों का इकामा एक्सपायर था। भाई अगर इकामा एक्सपायर हो तो फिर छुट्टी ही नहीं लगती है, छुट्टी यहां से जब हम लगवाते हैं तो उतनी छुट्टी लगती है जितना आपका इकामा मौजूद हो, इकामे से 5-10 दिन वो भाई रोक कर ही छुट्टी लगाते हैं। हाँ, इस फ्लैट के बंद होने के मामले को लेकर कई कई बंदों के अभी तक छुट्टी बढ़ चुकी है, इकामे नहीं बढ़े हैं, इकामे बढ़ चुके हैं छुट्टी नहीं बढ़ी है, ये एक अलग बात है। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उन बंदों की छुट्टी बढ़ी होगी, इकामा नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि छुट्टी अगर ना बढ़ी होती तो पाकिस्तान ही रोक दिया जाता, इकामा नहीं बढ़ा होगा तो भाई पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर आपका पासपोर्ट, आपकी छुट्टी चेक की जाती है। अगर इकामा आपका नहीं बढ़ा था अभी तक तो फिर इनको वापस भेजा जा सकता है, ये एक रीजन हो सकती है। हालांकि आम रूटीन के मुताबिक भाई आपका इकामा, छुट्टी, हर चीज वैलिड होती है। दूसरी बात भाई, आपका पासपोर्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, आपका ओके होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर ही चेक कर लिया जाता है। और ये बंदे जो वापस भेजे गए हैं ये डायरेक्ट फ्लाइट लेकर नहीं आएंगे, ये वॉय के साथ ही आ रहे थे। हुआ क्या है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में गए हैं स्टे के लिए 14 दिन का, आप या 14 दिन से ज्यादा का आपने स्टे किया है, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया का तो आपके पास वैलिड वीजा मौजूद था, यानी कि आप पहले रख चुके थे। यहां पर भाई मसला ये बना, या तो इन बंदों की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जो होती है, जो सर्टिफिकेट होता है त्वक्कलनामे इम्यून या सेहती में इम्यून, या भाई जो आप मुकीम की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना मुकम्मल डाटा पुर करते हैं 72 घंटे पहले आने से सऊदी अरेबिया में, तो उसमें कोई ना किसी किस्म की मिस्टेक हुई है इन बंदों से, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि आप वाय के थ्रू आ रहे हैं, आप डायरेक्ट आ रहे हैं, तो भाई इसको तसल्ली से अच्छे से खुद से या किसी एजेंट वगैरह से खुद से अच्छे से इसको तसल्ली से पुर करके, तसल्ली करके अपनी उसके बाद सफर करें। ना ही इन बंदों की छुट्टी खत्म हुई थी, ना इनका इकामा एक्सपायर हुआ था, इन बंदों की वैक्सीन को लेकर कोई ना कोई किसी किस्म की मिस्टेक हुई है इनसे। हालांकि ये वैक्सीन के मुतल्लक भी मुकम्मल डोज वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन इन बंदों से कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, इस वजह से इनको रोक दिया गया है। इकामा खत्म हो तो भाई ये अभी के मामला तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इकामा इनका खत्म होता, छुट्टी बड़ी हुई थी, तो फिर इनको भाई ये यार कंफर्म बात है, छुट्टी इकामा तो बंदा लाजम चेक करता है पाकिस्तान से सफर करने के लिए, मेरा इकामा कितना है, छुट्टी कितनी है मेरी बाकी। वैक्सीन के मामले को ही लेकर कोई मिस्टेक हुई है, इसीलिए इन बंदों को वापस भेजा जा रहा है। तो भाई आप अगर सऊदी अरेबी में आना चाहते हैं वाई के थ्रू या डायरेक्ट, तो अपने भाई वैक्सीन के मुतल्लक तमाम तर तफसीलात इनको क्लियर करें, अच्छे से चेक करें, उसके बाद सफर करें।